हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला के सेंसन स्टडी। आज मैं आपको असेसमेंट वर्कशीट 02 मैथमेटिक्स की क्लास 6 की करवाने जा रहा हूं और ये 3 सितंबर की रहने वाली है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि आपको 4 मोर करने हैं, ठीक है, 2 से। तो देखो, अभी आंसर आपको दिखा दो, पहले आप समझ लो। तो यहाँ पर आपने पहले लंबर लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे कि ड्रॉ की गई है। फिर आपको जो यहाँ पर लिखा है ना 2, तो पहले आपको एरो से 2 की तरफ जाना है, पहुंच गए। फिर उससे बोला 4 मोर, तो 4 मोर कौन सा, 1 2 3 4, तो आप दोबारा एरो बनाएंगे, 6 पर पहुंच जाएंगे। तो फिर आपको टोटल बड़ा वाला एरो बना के दिखाना है, इस तरीके से आपको 6 आंसर आएगा। देखो मैंने कैसे करा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आप ऐसे करेंगे, पहले आप 2 पर गए, उसके बाद 4 मोर था, जब मोर बोलेगा तो आपको राइट की तरफ जाना है, ठीक है, इस तरीके से। फिर आप 6 पर पहुँच जाओगे 3rd एरो बनाकर, और आपका आंसर कितना आ गया, 6। तो पहले वाले का आपको समझ में आ गया कैसे करना है, क्वेश्चन जो है आप कैसे उतारेंगे, ठीक है, वर्कशीट से उतार लेंगे या जो मैंने लिखा है वो आप ये लिख लेंगे, उसके बाद आप ये लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको जो है ये बनाना है, ठीक है, और बिल्कुल अच्छे से बनाना है, स्केल से बनाना है, ठीक है, और एरो भी आप यहाँ पर से ऐसे ऐसे कर देंगे, ठीक है। और जो है ना, यहाँ पर जो नंबर कौन से लेने होते हैं ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है, आप काफ़ी बड़ा बना लेना, ठीक है। उसके बाद स्केल होता है ना, स्केल, तो उसमें जो 1-1 सेंटीमीटर का गैप होता है वो आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। पहले वाला समझ में आ गया, अब दूसरा देखो। उसके बाद जो है दूसरे में बोला गया 3 मोर देन 5, तो देखो 3 मोर देन 5, तो यहाँ पर जो पहले 5 लिखा है ना, पहले आपको 5 पर पहुँचना होगा, आप 5 पर पहुँच गए, फिर 3 मोर है तो 1 2 3, तो आप जो है फिर 8 पर पहुँच गए, तो टोटल आप कहाँ पहुँच गए, 8 पर, ठीक है, इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। अब देखो मैंने कैसे करा है, उसको देखो, पहला वाला हो गया ना, अब देखो मैंने दूसरा ये कैसे करा है। सबसे पहले हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, 1-1 सेंटीमीटर का गैप ले लिया, ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे तो मैंने नेगेटिव वाला ड्रॉ नहीं किया, ठीक है। और ये जब आप बनाओगे इसमें आप थोड़ा बड़ा बनाना और एरो ज़रूर बनाना, ठीक है। और देखो पहले 5 पर गए, फिर उसने बोला 3 ज़्यादा, तो 3 और चले गए, तो टोटल कितने पर आ गए, 8 पर आ गए, सर्कल बना दिया और ये हमारा आंसर आ गया, समझ में आ गई। उसके बाद है 3rd, यहाँ बोल रहे हैं 5 लेस देन 3, मतलब पहले 3 पर जाना है, फिर आपको लेस लेस बोला तो आप कहाँ जाओगे, लेफ्ट में जाओगे। पहले यहाँ देखो, इसने बोला 5 लेस देन 3, तो पहले आप जो है 3 पर चले जाओ, आप 3 पर चले गए, फिर उसके बाद 5 लेस करना है, तो 1 2 3 4 5, तो यानी कि आप किस पर जाएंगे, -2 पर चले जाएंगे। और फिर उसके बाद आपको एरो ऐसे बना देना ऊपर की तरफ, ठीक है, ये दोनों एरो मतलब कहीं भी बना सकते हो आप, ऐसे भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है, बस आपको आंसर ही बताना, सर्कल मारना है, -2 आंसर आ गया। अब देखो मैंने कैसे करा है, ये देखिए, देखो सबसे पहले जो है हम कहाँ पर चले गए, 3 पर, उसके बाद जो है यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ पर -2 पर पहुँच गए, तो हमने जो 3rd एरो बना दिया -2 पर, सर्कल भी मार दिया, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, समझ में आ गया। अब जो 4th है ना, पहले आप ट्राई करना, फिर उसके बाद मैच करना अपना आंसर, ठीक है। 4th देखो, जो 4th है उसमें बोला गया 2 लेस देन -2, तो पहले -2 पर पहुँचोगे, फिर 2 लेस, और लेस बोलेगा तो लेफ्ट में जाना है, तो पहले आप देखो, पहले -2 पर जाओ, पहले -2 पर जाए, तो देखो यहाँ -2 पर पहुँच गए। फिर उसने बोला है 2 और लेस, तो 1 2, तो हम जब जाएंगे तो -2 और आगे पहुँच जाएंगे, तो हम किस पर पहुँच गए, -4 पर, तो नीचे से हमने एरो बना दिया, -4 पर आ गए, ठीक है। अब इसका आंसर देखो कैसे करें, ठीक है, 2 बार इसे समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से आ जाए। तो पहले -2 पर चले गए, फिर 2 और इधर चले गए, लेस बोले तो लेफ्ट में गए, तो उसके बाद हमने 3rd एरो ज़रूर बनाना है, तो यहाँ पर आप 3rd एरो भी ज़रूर बनाएंगे, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, -4, ठीक है, क्लियर हो गया सबको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं, 5th पर। 5th क्वेश्चन में बोला गया कि आपको इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, पहले छोटा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है सबसे छोटा कौन सा नंबर है, तो मैंने आपको अच्छे समझाया था लास्ट जो हमने वर्कशीट करी थी कि -2 जितनी बड़ी रकम होगी वो उतनी ज़्यादा छोटी होगी, फिर -4, ठीक है, इस तरीके से, फिर 0 2, उसके बाद जो है 6 और फिर 8 आ जाएगा, ठीक है। अब आंसर देखो, ये 4 तो आपने कर लिया ना, उसके बाद आगे देखो, ये मैंने क्वेश्चन के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन ही है, ठीक है, ऐसे ही आपको कॉपी पर भी करना है, मतलब शीट पर करना है, क्योंकि असेसमेंट है आपका, ठीक है, और जिन्होंने खुद कर लिया वो अपने आंसर मैच कर लेंगे, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो क्योंकि ये कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, आप इसको 1 मत समझना। तो -9, फिर -4 0, फिर 2 6 4 8 आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद 6th क्वेश्चन में क्या पूछा गया,
सिक्स क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर सबसे छोटा, इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो आपको बताना है सबसे बड़ा कौन सा है, तो प्लस का जो सबसे बड़ी रकम होगी वही सबसे बड़ी मानी जाती है, तो 8, ठीक है, उससे भी छोटा कौन सा है 5। सो एक मिनट, यहाँ पर 31 रह गया, तो सबसे बड़ा कौन है 31, फिर 8, ठीक है 8 यानी कि फिर 5, ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर आएगा माइनस का 3, फिर माइनस का 9, फिर माइनस का 53, ठीक है। अब आंसर देखो, आप देख सकते हैं आंसर, ठीक है, रिटर्न में भी इसलिए किया है ताकि कई बच्चों को ना बोलने से समझ नहीं आता, तो इसलिए रिटर्न में किया ताकि देख कर आराम से वो उसे और अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। अब आ जाओ 7th क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन में बोला गया कि आपको इन जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनको सॉल्व करना है, तो आप ध्यान से देखो, यहाँ 4 है, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस का 5 आ गया, तो 4 में से 5 जाएंगे, माइनस का 1 बचेगा क्योंकि माइनस की रकम बड़ी है। मैंने आपको अच्छे से समझाया था, जब एक प्लस हो एक माइनस हो तो हमेशा घटाते हैं, साइन उसका लगाते हैं जो बड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप आंसर देख सकते हैं कैसे किया गया है, ठीक है। यहाँ लिखा 4 माइनस प्लस माइनस, 5 में से 4 गए 1 बचा, लेकिन माइनस की रकम बड़ी है तो माइनस का साइन आ गया। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखो, यहाँ माइनस 5 है, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो दोनों माइनस के हैं तो दोनों ऐड हो जाते हैं, याद रखना अगर दोनों माइनस के हैं तो ऐड होगा, साइन माइनस का लगेगा, दोनों प्लस के हैं तो प्लस ही होगा, साइन प्लस का लगेगा, और प्लस का साइन लगाओ या ना लगाओ मर्जी होती है। अगर एक माइनस है एक प्लस है तो हमेशा आपको घटाना ही होगा, साइन उसका लगाएंगे जो रकम बड़ी होगी, अगर प्लस की बड़ी होगी तो प्लस का साइन, अगर माइनस की बड़ी है तो माइनस का साइन, ठीक है। और अगर अभी भी समझ नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके दोबारा से समझ लेना, सुन लेना, और अगर स्पीड तेज लगे तो यूट्यूब में 3 डॉट होते हैं, स्पीड धीरे कर लेना, ठीक है। माइनस का 5 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, दोनों माइनस के तो माइनस का 11 आ गया। फिर उसके बाद जो है देखो, ये प्लस का 7 है और ये माइनस का है, तो पहले हम ब्रैकेट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखो ब्रैकेट वाला फॉर्मूला भी याद रखना चाहिए आपको, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस प्लस होता है, ओ माइनस होता है, ठीक है। ऐसे प्लस प्लस क्या होता है, अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो प्लस ही होता है, माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस लगा हुआ है तो वो प्लस हो जाता है। ये ब्रैकेट वाले फॉर्मूले भी आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। तो ये देखो ब्रैकेट वाला फॉर्मूला लगाया, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब देखो एक प्लस का एक माइनस का है, और जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो हमेशा रकम को घटाते, 0 आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है अब 8th क्वेश्चन पर आ जाइए, 8th देखिए क्या है। 8th क्वेश्चन बोला गया कि आपको इस पिक्चर को देखना है, ठीक है, ये जो आपको नंबर लाइन दे रखी है, फिर उसके बाद इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं, बहुत ईजी है। तो आप क्वेश्चन जो है यहाँ से नोट करेंगे पूरा, ठीक है, उसके बाद आंसर देखेंगे, ठीक है। आंसर मैं पहले बताता हूँ फिर दिखाता हूँ, ठीक है, ये आराम से नोट कर लेना पहले क्वेश्चन। इसने बोला कि रीना की पोजीशन बताइए नंबर लाइन के हिसाब से, तो देखो माइनस 3 पर है तो माइनस 3 आंसर आ गया। इसने बोला टीना की पोजीशन बताइए तो कितनी है, प्लस की 5 है, क्योंकि 0 के इधर जो होते हैं वो प्लस होते हैं, 0 के इधर जो होते हैं वो माइनस के होते हैं। अब ये कह रहा है कि दोनों के बीच में डिफरेंस बताइए, कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है, 8 हो गया। और इसको आप फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 5 लिखा माइनस माइनस का 3, 5 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 कितना आ गया 8। अब देखो मैंने कैसे करा, देखो पहले वाले का समझ में आ गया, दूसरे वाले का और तीसरे वाले का जो पूछा है ना कि उनका डिफरेंस कितना होगा, तो ये देखो आपको, अच्छा ये एक मिनट, ये मैंने काटा हुआ था, ये हटाया नहीं, ये है, ठीक है, ये देखो 5 लिखा माइनस माइनस 3, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और कितना आ गया 8 आ गया, समझ में आ गई, ठीक है। आप ये नोट करेंगे, आप ये वाला जो है नोट नहीं करेंगे। अब उसके बाद जो है 9th पे आ जाइए, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम करते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन बच्चों आपको इसी में ये पूरा करना है, ठीक है। यहाँ बोला गया है कि यहाँ पर आपको इंटीजर की वैल्यू लिखनी है, तो पहले आप ये क्वेश्चन उतारना, फिर पूरी टेबल बनाना, इसका आंसर इसी में बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, जब बिलो होता है तो माइनस होता है, तो माइनस का 2 आ जाएगा। इंटीजर बोला तो डिग्री सेल्सियस लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अबव 0 डिग्री, तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस 20, और यहाँ पर क्या है बिलो बोला है तो माइनस का हो गया 5। समझ में आ गया आप सबको। और अगर किसी को जैसे कि भाई यहाँ डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो अगर डिग्री सेल्सियस लिखना चाहे तो वो लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
लेकिन मेन इंटीजर बोला गया था, सिर्फ नंबर्स की बात की गई थी, तो उतना ही सफिशेंट है। ठीक है, अब उसके बाद ये आपने नोट कर लिया, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए, अब बोला गया है 10th क्वेश्चन, तो आप ये पूरा का पूरा ये बनाएंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन लिखेंगे। अब इसके आंसर देखो, आप चाहे तो पहला क्वेश्चन इसके बाद आंसर लिख सकते हैं। यहाँ बोला गया है कि अगर डी माइनस का 8 है, मतलब ये नंबर जो है माइनस का 8 है, तो प्लस का डी कितना होगा। तो आप देखो, ये माइनस का 8 है तो ये माइनस का 7 हुआ, ये माइनस का 6 हुआ, ये 5 हुआ माइनस का, ये माइनस का 4 हुआ, ये माइनस का 3 हुआ, ये माइनस का 2 हुआ, ये माइनस का 1 हुआ, यानी कि 0 है, ये 0 है। और इस अब हमें पता लगाना है एच कितना होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आपसे पूछा गया था ना कि प्लस 8 का नेम क्या है, तो क्या आ गया, एच। अभी आंसर दिखा दो, पहले समझ लो। ऐसे इसने बोला है कि बी बताओ, बी की वैल्यू बताओ कितनी होगी, बी की वैल्यू। तो देखो, अगर ये 0 है तो ये -1, -2, -3, -4, तो -4 आ गया। और जी पॉजिटिव है नेगेटिव, अगर 0 के राइट में है तो पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट में है तो नेगेटिव। अब आप बताओ कि जी पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो ये जो 9th क्वेश्चन है वो तो आपको इसी में से करना था, मैंने आपको पूरा लिख के दिखा दिया, ठीक है, मतलब इसी में बता दिया। अब आ जाइए 10th पर, तो 10th का आंसर देख लो, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से नोट करना, मैंने क्वेश्चन नोट नहीं करे इसके, ठीक है। ये देखो, ये हमने लिखा, इसका आंसर क्या था, एच, और दूसरे वाले का माइनस का 4, और तीसरे वाले का पॉजिटिव। तो वर्कशीट पूरी कंप्लीट होगी, होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। थैंक यू वंस अगेन।